डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में अभी तक पहुंच गए हैं, 8.1 फिनिश हो चुका है। अब 8.2 पर चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, तो पहला क्वेश्चन है, आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, उस बॉक्स के अंदर में कुछ खाने बने हुए हैं। देखो, वो एक इकाई का बॉक्स है और ये शतांश इसमें देखना है। एक इकाई को 100 टुकड़े में काटा गया है और एक इकाई के 100 टुकड़े के हिस्से को आपको भिन्न में व्यक्त करना है, दशमलव में। तो आप अगर ए को देखें तो उसके अंदर एक ब्लॉक बना हुआ जिसमें 100 खाने हैं, जिसमें से 2 खाने कम्प्लीट हैं और एक इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पर बात करें तो इकाई, अगर इसमें हम फिर जैसे बॉक्स बना ही लेते हैं, जैसे पिछले एक्सरसाइज में था कि यहाँ पर हम लिख दिया सैकड़ा, यहाँ लिख दिया दहाई, यहाँ लिख दिया इकाई, यहाँ लिख दिया दशांश, यहाँ लिख दिया शतांश। अब शतांश माने 100 टुकड़े का हिसाब करना है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ एक और लाइन लिख सकते हैं, संख्या, कि क्या संख्या बन के तैयार हो गई, है ना? आओ देखते हैं। तो अगर हम ए पर बात करें तो देखो, सैकड़ा पर कोई नहीं है, दहाई पर कोई नहीं है, इकाई पर भी कोई नहीं है, क्योंकि इकाई तब होता जब पूरा कंप्लीट होता। अब चलें दशांश पर देखें तो दशांश में 2 कंप्लीट है और शतांश में अगर आप देखें तो 2, 2, 3, 6 कंप्लीट है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.26, ये आपका उत्तर बन गया पहला। दूसरा में देखें तो यहाँ इकाई पर एक दिख रहा है बी में। अब बी पर बात करें तो बी में देखें तो एक पूरा ब्लॉक है जो पूरा भरा है, यानी कि इकाई है, कंप्लीट है। और दूसरे में देखें तो दूसरे में दशांश में देखें तो 3 दशांश कंप्लीट हो चुका है और शतांश में कितने कंप्लीट है, 8 कंप्लीट हो पाए हैं। इसको आप कह सकते हैं 1.38। ओके, आपका बी हो गया। अब सी देखते हैं। सी में आप देखेंगे तो एक कंप्लीट है, एक इकाई कंप्लीट है। आप देखो सैकड़ा है नहीं, सी पर बात करें तो सी पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी सैकड़ा नहीं है, दहाई भी नहीं है। इकाई में देखें तो कितनी इकाई कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है। और दशांश में 2 कंप्लीट है और शतांश में कितनी है, 8। यानी आपका उत्तर हो गया 0.28, ठीक है, सी में। अच्छा हाँ, एक इकाई तो कंप्लीट थी, उधर मैंने ध्यान नहीं दिया, ये है, ये हो जाएगा 1.28, क्योंकि एक जो ब्लॉक भरा हुआ है वो तो एक है ना भाई। तो आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से पूरा हुआ, ऐसे ही छोटा सा सवाल है। अब देखिए दूसरे में क्या है, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव के रूप में लिखिए। स्थानीय मान सारणी बनी है और उसी को देखकर दशमलव में व्यक्त करते चले जाना है। आइए देखते हैं। अब सारणी तो आप देख ही रहे, हमारे सामने भी सारणी है, आओ लिखते जाएं डायरेक्ट। तो बताओ ए को देखकर आपको क्या दिख रहा है, सैकड़ा कोई नहीं, दहाई पर कोई नहीं, इकाई पर है 3। इसका मतलब हम 3 लिख सकते हैं, 3., और क्या है, 2.5, ये आपका हो, ए विकल्प कंप्लीट। बी में देखो क्या है, बी में देखो तो एक दिखा, सैकड़ा के स्थान पर एक दिख रहा है, ठीक है, और दहाई की जगह पे 0 दिख रहा है, लिखना पड़ेगा। इकाई के जगह पे 2 दिख रहा है, लिखना पड़ेगा, 102 हो गया। अब 0.63, ये आपका उत्तर आ गया। अरे हजारवां भी दिया है, वाओ, शतांश यहाँ 5 था, यहाँ पर भी फिलहाल 0 ही है, नहीं तो हजारवां होता तो एक निशान और लगाना होता। चलो सी देखते हैं। सी में है 0, यानी यहाँ कोई नहीं है, तो हो गया 30., देखो यहाँ दशांश पर भी कोई नहीं है, शतांश पर 2 है और हजारवां हिस्सा पर 5 है, यानी 0.25, ये आपका सी हो गया, 30.025। देखो ये दहाई स्थान पर है, देखो इकाई कोई नहीं था, दसवां पर कोई नहीं था, सौवां पर ये था, हजारवां पर ये था, आपका ये मान हो गया।
अब डी देखो क्या लिखा है, डी में देखो हजारवां सैकड़ा पर दो दिया है, दहाई पर एक दिया है, इकाई पर एक दिया है, अच्छी बात है, फिर दसमलव लगा दीजिए, उसके बाद लिखिए 9 0 2, बस खाली छाप देना है बहुत आराम से। अब ई में देखो यहाँ पर जीरो लिखा, लिखना नहीं है, 1 2 दशमलव 2 4 1 2 4 1, जैसे साड़ी में लिखा वैसे सीधे छाप देना, कुछ करना नहीं है, ये आपने इसको दशमलव में व्यक्त कर लिया। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है, उसमें लिखा निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। अच्छा बताओ, अगर हम इसी तरह स्थानीय मान सारणी बना लेते तो क्या लिखते, यहाँ पर सारणी बना दे, कहाँ तक है संख्या, सैकड़ा तक है, तो हम यहाँ लिख दें सैकड़ा, तो यहाँ लिख देंगे दहाई, यहाँ लिख दें इकाई, यहाँ लिख दें दशांश, यहाँ लिख दें शतांश, यहाँ लिख दें हजारवां, ये ऐसे बनाते चले जाएं। अब देखो ए में क्या लिखा है, दशमलव दो नौ ए में दिया, तो दशमलव दो का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो दो है और यहाँ देखो नौ है, ये आपका ए था, देखो हजारवां कुछ नहीं है, जीरो लिख दो, जहाँ कुछ नहीं वहाँ आप जीरो लिख सकते हैं। बी में बात करें तो बी में लिखा है 2.08, दो मतलब इकाई है दो, तो इकाई बाकी यहाँ जीरो जीरो कर दो, यहाँ दो लिख दो, ये बी चल रहा है, और यहाँ चलो दशमलव के बाद यहाँ जाएगा दशांश में जीरो, यहाँ पे आठ, यहाँ भी जीरो बना दो, बी भी आपका कंप्लीट हो गया। अब सी में देखो तो सी में लिखा है 19.60, 19 मतलब एक दहाई हो गया, तो दहाई स्थान पर एक हो जाएगा आपका, यहाँ एक, यहाँ नौ, यहाँ छः, यहाँ जीरो, और बाकी सब जगह जीरो आप लिख सकते हैं, ये सी था आपका। डी देखिए, अब डी में लिखा हुआ है 148.32, 148 आपकी पहली बार सैकड़ा मिला है, 148 देख रहे हैं, उसके बाद क्या है दशमलव तीन दो, तीन दो हजारवा जगह पे कुछ नहीं है, ओके डी आपका कंप्लीट हो गया। आखिरी है ई, और ई में दिया गया है 200.80812, तो हम ई में लिख देंगे 200.812, आपका साड़ी बनकर तैयार, यही साड़ी दिख रही होगा आपको, दिख रही होगी, अच्छी बात है, नहीं दिख रही होगी तो भी अच्छी बात है, और देख लेता हूँ मैं, दिख रही है, तो आइए अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चौथे में चलते हैं। चौथे में लिखा निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए, आओ देखा जाए, चौथा का पहला है 20+9+4/10+1/100, इसका मतलब क्या हो, 20 9 29 29.41, इतना सिंपल है बस, इसको खाली जोड़ते लिखते हैं, ये देखो दशमलव में आ जाएगा, ये बटा सौ हो जाएगा 0.01 पर। बी देखो क्या लिखा है, लिखा है 137+5/100, इसका मतलब हुआ 137 तो लिखना पड़ेगा, दशमलव पाँच में 100 से भाग दोगे तो 0.05 आ जाएगा, क्योंकि 500वें स्थान पर है। अब सी देखते हैं, सी में लिखा है 7/10, 6/100 और 4/1000, इसका मतलब हुआ 0.7064, जो 10वां स्थान पर, इस 100वां स्थान पर, या 1000वां स्थान पर। डी देखो, डी में लिखा है 23+2/10+6/100, इसका मतलब 23.26 हो गए। और ई देख लो, ई में लिखा 700+20+5+9/100, तो देखो इसको तो आप 725 लिख ही सकते हैं, अब 0.09/100 है, इसका मतलब 0.09 है,
ठीक है, ये आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। सोचो इजी तो है, कुछ करना नहीं पड़ रहा, केवल एक बार लिखना है, समझना है और कुछ नहीं। पांचवा में देखते हैं, कह रहे निम्न दशमलव को शब्दों में लिखिए। कैसे लिखेंगे शब्दों में? 0.03, ऐसे ऐसे लिखा है तो आप इसको लिख देंगे 0.0, यानी 0.03, ये कहने का तरीका है। ऐसे लिखा 1.20, जो मैं बोल रहा हूँ 1.20 लिख ले जाएंगे। मैं बोल देता हूँ अगला है सी 108.56, ध्यान रखना 56 नहीं बोलना। डी विकल्प है 10.07, ई विकल्प है 10.32, एफ विकल्प है 5.008। देख रहे होंगे आप, तो आपका पचवां सवाल यही था। आइए छठवां पर बात करें, संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं? बताओ 0.06 कहाँ स्थित है संख्या के पास? देखो 0.06 का मतलब हुआ कि जो संख्या रेखा है वो 0 और 1 के बीच ये संख्या पाई जाती है, यानी ऐसे कह लो कि एक जो संख्या 0 से 1 के बीच की जो वैल्यू है उसको 100 टुकड़े काटे गए और 100 में से 6 टुकड़े लिए गए, यह हो गया आपका 0.06। तो इसको आप कहोगे 0 और 1 के बीच है। कहते किन दो संख्या रेखा किन दो बिंदुओं बिंदुओं के बीच ये संख्या स्थित है। आगे है 0.45, यहाँ भी वही कहानी है। अच्छा सारी संख्या इसको बारीक जवाब देना होगा। अगर हम इस पर बात करें इनको कि ये कहाँ किन दो बिंदु 0.06 कहाँ मिलेगा, सोचिए आप, तो 0.1 भी नहीं है, ये 0.1 से भी कम है, यानी 1 और 0 और 0.1 के बीच में है। ऐसे लिख दो 0 और 0.1 के बीच में है ये। यहाँ पर बात करें तो ये भी है, ये कितना है 0.45 है ना, यानी 0 और 0.05 के बीच में है ये संख्या। आगे चलें सी विकल्प, ये ए था ये बी था ये सी में, चलो सी में दिया है 0.19, इसका मतलब 0 और 0.02 के बीच में है संख्या मिलेगी। डी में चलें 0.66 लिखा है, इसका मतलब हुआ 0 और 0.07 के बीच है। देखो ये जारी संख्याएं एक तो है ही है, एक के पहले तो है ही है, लेकिन और बारीक अगर डिवीजन किया जाए तो आप 0 और 0.07 के बीच आप 0.66 देख सकते हैं। आगे है ई 0.92, इसका मतलब यह संख्या 0 और 1 के बीच है ना। इसको अब हम 0.9 के बाद तो 1 ही आ जाएगा ना, तो 0 और 1 के बीच में है। और एफ लिखा है 0.57, इसका मतलब ये संख्या 0 और 0.06 के बीच है। एफ हो गया। अब आपका सातवां प्रश्न, 0.00 की पकड़ बढ़िया बनाने के लिए वही तरीका है कि एक खाने को तमाम टुकड़े में बांटिए और बस छोटे टुकड़े को बता दीजिए। सातवां सवाल है, न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। सातवां लिखा है ए विकल्प में 0.60, हमने आपको बनाया था ऐसे करो और उसके बाद जितने अंक दिखे 0 बनाओ, 0.00 गायब, 20 3 60, 20 25 100, 3/5 आंसर। बी विकल्प में है 0.05, फिर 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से ये संख्या कट जाएगी, 5 6 5, 5 2 10, 1/20 हो गया। सी में क्या लिखा है 0.75, 0.75 को हम बटा ऐसे लिख सकते हैं 100, 0.10 जाएगा, 25 3 75, 25 4 100। डी में चलें 0.18 लिखा है, 100 लिखेंगे आप, 0.10 जाएगा, 2 से काट सकते हैं, 9/50 हो जाएगा। ई में चलें तो लिखा है 0.25, 100 करेंगे आप, 0.00 भागेगा, 25 1 25, 25 4 100। एफ देखते हैं, एफ में लिखा है 0.125, याद करिए मैंने कहा था 0.01 लिखेंगे, बाकी 3 0 बन जाएगा, 0.00 गायब,
पच्चीस से काटे, पच्चीस पच्चीस 125, पच्चीस चौके 100, फिर कटेगा पाँच एक पाँच, पाँच अट्ठे 40, 1/8। और आखिरी दिया है जी, ये दिया है 0.066 बटा, आपको 1000 करना पड़ेगा, 0.00 जाए गायब हो जाएगा, केवल 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 3 6, और ये हो जाएगा 500, 33/500। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 8.2। थोड़ा छोटा एक्सरसाइज था, मज़ेदार था, क्योंकि इसमें शतांश की चर्चा की गई थी। विद्यार्थियों लगे रहिए, बहुत मज़ा आएगा, है ना। थैंक यू।